दो तरह के लोग होते हैं, योगी और भोगी। भोगना मतलब सफरिंग, सफरिंग, एंड योगी मतलब डिटैच्ड। इसीलिए योगी को कैसे दिखाते हैं, कमल पुष्प के ऊपर। जीवन में दुनिया में रहना है, इसका मतलब कीचड़ है। कीचड़ है मतलब चैलेंजेस हैं, बातें हैं, अलग अलग तरह की वाइब्रेशंस हैं, सिचुएशंस हैं, लोग हैं, सब कुछ है। उसको छोड़ना नहीं है, उससे भागना नहीं है, उससे दूर जाना नहीं है, लेकिन उसके बीच रहते हुए वो कीचड़ का चिन्ह हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। जैसे ये वाइट ड्रेस पहने हैं, बाहर चलते हैं, कभी बारिश हो रही है, कभी कीचड़ है, लेकिन हम जब चलते हैं उसके बीच, हम ध्यान रखते हैं ना कि वो कीचड़ हमारे ऊपर क्या, कौन कौन ध्यान रखता है कीचड़ हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए, रखते हैं ना। और जो ध्यान नहीं रखेगा वो पहले थाप थाप करके सारा कीचड़ उसके ऊपर आ जाएगा। तो योगी जीवन मतलब योग मतलब ध्यान, ध्यान मतलब ध्यान से जीना। और ध्यान से ये जीना कि कुछ भी जो हमारे आसपास हो रहा है उसका दाग वो हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हमें उस सिचुएशन से ऊपर रहना पड़ता है। और जो भोगी जीवन है वो नीचे रहता है, मतलब ये एक हाई वाइब्रेशनल लाइफ है और ये लो वाइब्रेशनल लाइफ है। हम यहाँ पर, यहाँ हम एक वाइब्रेशन में रहते हैं। अगर इस समय हम सब की चेकिंग की जाए मशीन से, तो हम सब की अलग अलग वाइब्रेशन आएगी। और इसकी इक्विपमेंट है, आजकल इक्विपमेंट है, जो हाईएस्ट वाइब्रेशन पर होते हैं, जिनके हम चित्र देखते हैं, देवी देवताएं, धर्म स्थापक, उनके चारों तरफ एक वाइट रंग का सर्कल दिखाया जाता है। मतलब उनकी एनर्जी कौन से कलर की है, वाइट। वाइट मतलब हाईएस्ट, प्योरेस्ट। तो वो उनका ऑरा है वाइट। ऐसे ही हम सबका भी एक ऑरा है, और हमारा ऑरा एक स्कैन है कि हमारी स्टेट ऑफ माइंड कैसी है, यहाँ कितनी प्योरिटी है या कितनी मैल है, ये कितना साफ है, बेदाग है, या इस पर कितनी सारी बातों के। तो जो इस मन चित्त को स्वच्छ रखेगा, बेदाग रखेगा, प्योर रखेगा, वो हायर वाइब्रेशन पर है। लेकिन जिसने इस पर हर चीज का दाग लगने दिया, तो हमारी वाइब्रेशन कहाँ होने लगेगी। और जब लोअर एनर्जी की वाइब्रेशंस का हम पर दाग लगता जाएगा, तो फिर हम कभी दर्द, कभी दुख, कभी चिंता, कभी डर, कभी गुस्सा, कभी हर्ट, कभी ईगो, कभी रिजेक्शन, कभी कंपैरिजन, ये सब लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज हैं। और जब हम इन लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज पे रहते हैं, हम सफर करते हैं, और वो है भोगना। कहते हैं ये दुख भोग रहा है, भोगते हैं हम। तो एक है भोगी जीवन जो भोगते हैं, सफरिंग, और एक है योगी जीवन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो योगी जीवन में होगा उसके सामने प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। प्रॉब्लम्स तो दोनों के सामने एक बराबर है, लेकिन योगी अर्थात उस प्रॉब्लम को फेस करने का तरीका, इसका मतलब बाहर कीचड़ है, चलना तो सबने है, लेकिन कोई ध्यान से चलेगा तो उससे अनटच्ड घर तक पहुंचेगा, और कोई ध्यान से नहीं चलेगा तो पहले दो तीन स्टेप्स में ही खुद को मैला कर लेगा। तो आप रेडी है योगी जीवन पर शिफ्ट होने के लिए? पॉसिबल है? पॉसिबल है? हाँ जी,
कोई बात नहीं, डिफिकल्ट तो फिर भी इजी हो जाएगा, पॉसिबल है कि नहीं वो डिसाइड कर लेते हैं। डिफिकल्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बहुत सारे डिफिकल्ट काम करते हैं, एक और से वो तो करके ही पता चलेगा कितना डिफिकल्ट है। इम्पोर्टेंट ये है कि पॉसिबल है या नॉट पॉसिबल है, क्योंकि पॉसिबल नहीं तो शुरू ही नहीं करते, डिफिकल्ट है तो हो ही जाएगा। पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। सिर्फ एक विजुअलाइज कीजिए, आपने वाइट ड्रेस पहनी, ठीक है, वाइट ड्रेस पहनिए और सुबह से आप शाम तक बाहर हैं, काम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इसको विजुअलाइज कीजिए, सुबह से शाम तक आप वाइट ड्रेस पहन के बाहर हैं, क्या आप रात को वापस वाइट को वाइट लेकर आ सकते हैं? सुबह ऐसा वाइट होगा, रात को भी ऐसा वाइट चाहिए। नहीं, सोचो एक मिनट। सुबह वाइट है, बेदाग, फ्रेश, रात को भी वही वाइट में वापस आना है, लेकिन सारा दिन सारे काम करने हैं। हाँ जी, हाँ, ध्यान रखेंगे तो आप एक करके देख लेना कल ये। हाँ, पहले कपड़ों पे तो करें, फिर मन पे करेंगे, क्योंकि जो कपड़े पे नहीं कर पाया वो मन पे नहीं कर पाएगा फिर। इट्स अ लाइफ ऑफ अवेयरनेस, ध्यान रखना, ऐसे नहीं कुछ भी कहीं भी कुछ भी गिर रहा है, कहीं भी बैठ रहे हैं, दैट्स अनअवेयर, प्रायोरिटी ही नहीं रखी हुई। अगर मैंने काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारी मिट्टी भी लग जाए तो भी दिखाई नहीं देगी, काला ही इतना है, काले को और काला नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए जैसे ही हम व्हाइट की तरफ जाना शुरू करते हैं, सडनली बहुत चीजें दिखाई देने लगती है, वो ये भी है, ये भी है, ये भी है। जब तक काले पहने होते हैं ना, कुछ है ही नहीं, सब परफेक्ट है, उसमें क्या, दुनिया ही ऐसी, हम तो बहुत अच्छे हैं दुनिया से। लेकिन जब जर्नी ऑफ चेंज स्टार्ट होता है तो दिखाई देते, ओ आज मैंने ये कर दिया, आज मेरे से ये हो गया, आज मेरे से वो हो गया, तो ऐसा लगता है वो मेरे से तो बहुत सारी गलतियां होती हैं। एक्चुअली वो बहुत सारी गलतियां नहीं होती, वो पहले भी बहुत सारी होती थी, लेकिन पहले वो गलती गिनी नहीं जाती थी, पहले हम उसको जस्टिफाई करते थे, उसने ऐसा किया मुझे ऐसा करना ही था, उसने ऐसा किया मुझे ऐसा करना ही था। तो कल हम एक दिन सभी वाइट ड्रेस पहनेंगे, वैसे भी गर्मियां शुरू हो गया, वाइट अलाउड, सुबह से रात तक वाइट ड्रेस पहनो और आप देखना आप आराम से रात को वापस आएंगे बिना वो वाइट ड्रेस मैली हुए। और उसको सिर्फ जीवन जीने का तरीका बनाना है कि सुबह से पहनना है, रात को आना है, सब कुछ करना है, सब कुछ करते हुए ध्यान सिर्फ, सब कुछ करना है लेकिन सब कुछ करते हुए सिर्फ एक अटेंशन, एक अटेंशन, ड्रेस ठीक रहनी चाहिए क्योंकि मुझे रात तक इसको ठीक रखना है। अब हम वाइट पहनते हैं, अगर किसी कुर्सी पर भी बैठते हैं तो पहले कुर्सी को चेक करते हैं, ब्लैक पहनो तो नहीं चेक करना पड़ेगा, विच मीन्स हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, क्या मुझे टच कर रहा है, वो ध्यान रखना पड़ेगा। अभी ऐसा लगेगा ओहो ये तो टू मच ध्यान रखने की चीज है, कुछ भी नहीं है। एक बार आप सुबह से रात वाइट पहन लो या आपकी आदत बन जाती है, इट बिकम्स वेरी नेचुरल कि मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ ध्यान रखना है। और अगर मैंने पूरी तरह से ध्यान रखा, मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन कोई और ही अपने मैले हाथ लगता हुआ ऐसे चला गया, सारा दिन में कभी कभी हमारी गलती नहीं होती है, लेकिन सामने वाले की वाइब्रेशन हमारे लिए। तो अगर हमारी गलती नहीं थी, हम तो ध्यान से ही चल रहे थे, लेकिन सामने वाले का हाथ मैला था और वो ऐसे करके चला गया, तो हम क्या करेंगे फिर? ड्रेस पर ही देखो, मन पर नहीं,
ऐसा करके कोई गया, हम क्या करेंगे उस टाइम फिर? वेरी इंपॉर्टेंट, अगला काम करने से पहले 10 सेकेंड निकाल के पहले उसको साफ करेंगे, और 10 सेकेंड से ज्यादा लगेगा नहीं, बस ऐसे ऐसे किया, लेकिन हम वो 10 सेकेंड निकालेंगे। अगर मैंने व्हाइट पहनने का अटेंशन नहीं रखा होगा, डार्क पहना होगा, तो कोई ऐसा करे ना कोई वैसा करे, कोई वैसा करे, सारी रात तक हम पहुंचेंगे, हमें पता भी नहीं होगा हमारे ऊपर कौन कौन से दाग लगे हैं, और अगले दिन फिर और दाग लगेंगे, फिर उसके अगले दिन और दाग लगेंगे, फिर उसके अगले दिन और दाग लगेंगे, और धीरे धीरे हम भूल ही जाएंगे कि हम तो एक ब्यूटिफुल प्योर डिवाइन व्हाइट सोल हैं। और फिर हम अपने इन्हीं ब्यूटिफुल कलर्स को, कि मुझे खुशी चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे शांति चाहिए, हमने इनको चाहिए बोलना शुरू कर दिया, जो हमारी अपनी ओरिजिनल नेचर है, ओरिजिनल क्वालिटी है, हमारा ओरिजिनल कलर है, वो हमें एक्सपीरियंस नहीं हो रहा आज, क्योंकि उसके ऊपर लग गए बहुत सारे दाग हैं, तो हम उन्हीं चीजों को बाहर ढूंढने लग गए, और क्योंकि हम ऐसी जगह पर ढूंढ रहे थे जहां वो है ही नहीं। पिछले 25 साल को अगर हम देखें, आपको लगता है 25 साल में दुनिया काफी बदली है? लगता है 25 साल पहले कौन कौन था 25 साल पहले? यहाँ हम में से मेजॉरिटी थे ना, जस्ट रिवाइंड करके देखना, आपको लगेगा ऑलमोस्ट कुछ भी सेम नहीं है। तो 25 साल में इतनी सारी चीजें बदली, लेकिन वो सब बदलाव के बीच में हम इतने बिजी थे सब कुछ करने में कि हमने अपनी इस व्हाइट ड्रेस को लास्ट प्रायोरिटी पर रख दिया। हमने कहा अभी तो, क्योंकि सडनली बहुत सारी चीजें आई थी ना हमारे पास। एक बच्चा होता है ना, उसको सडनली खिलौने दे दो, उसका बर्थडे वाला दिन याद करो, सब लोग चले जाते हैं पार्टी के बाद, अभी मेरा गिफ्ट खोलने का टाइम है, मेरे बर्थडे गिफ्ट सारे आए हैं, तो वो बच्चा अपने बर्थडे गिफ्ट खोलता है तो 4-6 तो अच्छे खिलौने निकल के आ जाते हैं। अब आप उस बच्चे को बोलो चल भाई कपड़े तो बदल ले, नहीं मुझे खेलना है, खाना खा ले, नहीं मुझे खेलना है, सो जाओ, नहीं मुझे खेलना है, क्योंकि नए नए खिलौने मिले थे। 25 साल से हम भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, टाइम पे सो जाओ, नहीं मुझे खेलना है, खाना खा लो, साथ साथ खेलना है, परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर लो, नहीं साथ में खिलौना साथ साथ चल रहा है। तो ये 25 साल में हम अपने नए खिलौनों के साथ इतने इंगेज्ड हो गए थे कि हमारी अपनी प्योरिटी तो प्रायोरिटी लिस्ट पर आई ही नहीं, और इसीलिए बहुत सारे दाग लग गए, और हम ऐसे समय पर आकर पहुंच गए जहां हमारी खुशी एक क्राइसिस बन चुकी है। खुश रहना कैसे है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं हर रोज। मतलब जो चीज मेरी नेचुरल थी, वो नेचुरल चीज ही क्या बनने लग गई, अननेचुरल। रात को नींद आना नेचुरल थी, अननेचुरल हो गई। अब बच्चों को पालना नेचुरल चीज थी, अब डिफिकल्ट लग रही है। अपने ग्रैंड पेरेंट्स को पूछो कितने बच्चे थे, अगर सबके नाम अच्छे से याद हो वो भी अच्छी बात है। तो ये क्योंकि जॉइंट फैमिली रहती थी ना, भाई के भी बच्चे, इसके भी बच्चे, उसके बच्चे, एक घर में इतने सारे बच्चे थे। ये हिस्ट्री नहीं है, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डिड वी मिस, कि एक घर में इतने बच्चे पैदा भी हुए, स्कूल भी गए, पढ़े भी, बड़े भी हो गए, एंड वो पेरेंट्स ने कभी नहीं बोला वी आर स्ट्रेस्ड। साधन नहीं थे, कंफर्ट्स नहीं थी, घर छोटे थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, किचन में कोई कंफर्टेबल गैजेट नहीं था, और तो भी उन्होंने बोला नहीं वी आर स्ट्रेस्ड। आज एक या दो बच्चे गोल गोल घूम रहे उनके सारे दिन, कहते पेरेंटिंग बिकेम वेरी स्ट्रेसफुल। अगर आप पेरेंटिंग को स्ट्रेसफुल बोलेंगे तो उस बच्चे को कौन सी एनर्जी के साथ पाल रहे हैं, स्ट्रेस की, स्ट्रेस की एनर्जी से पाल रहे हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं ये काम जो मेरी लाइफ का ये बड़ा स्ट्रेसफुल है, तो उस काम को कौन सी एनर्जी जाएगी, उस नरिशमेंट में कौन सी एनर्जी जाएगी। सो ये सब क्यों हुआ, क्योंकि 25 साल में हमारे पास इतनी सारी चीजें आ गई कि हमारा फोकस सिर्फ काम और काम और काम और काम और आगे और आगे और आगे, और किसी से पूछो बोलो क्यों इतना काम कर रहे हो, क्या चाहिए, क्या एग्जैक्टली
कहते अपने और अपने परिवार के लिए खुशी। लेकिन उन्होंने सोचा जितना हम कमा लेंगे उतना हम खरीद लेंगे, और जितना हम खरीद लेंगे उतने हमारे घर में क्या आ जाएगी, खुशी। और जितना खरीदते गए खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्होंने सोचा कि खुशी के लिए खरीद रहे थे, हम खुशी के लिए खरीद रहे थे, और जितना खरीदते जा रहे हैं खुशी से तो हम दूर होते जा रहे हैं। 5 साल पहले जब हम इसी हॉल में मिले होंगे तो हम स्ट्रेस की बात करते थे, आज अगर हम 5 साल बाद मिले हैं तो दुनिया में डिप्रेशन फैल चुका है। अगर वो 5 साल पहले भी हम रुक के चेंज कर लेते तो कम से कम डिप्रेशन तक ना पहुंचते। आज भी हमारे पास टाइम है, आज भी हमारे पास टाइम है कि हम रुक के चेक करके चेंज कर लें। अगर हमने आज भी नहीं किया तो बहुत जल्दी डिप्रेशन एक आम चीज बन जाएगी, आम नॉर्मल। और इसीलिए वो भोगी जीवन से योगी जीवन पर शिफ्ट करने की बहुत बहुत जरूरत है। आप सब जो हम वो जेनरेशन है जिसने 25 साल पहले वाली जीवन देखी है, तो भी हम इतने, उनका क्या होगा जो पैदा ही खिलौनों के साथ हुए। आप आज से 10 साल आगे की जीवन विजुअलाइज कीजिए। इट्स टाइम, पॉज पॉज, भागना बंद करें। जस्ट बिकॉज सब भाग रहे हैं हम भी भाग रहे हैं, विदाउट नोइंग सब राइट रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। वो ये कर रहा है तो मुझे भी ये करना है, वो ये कर रहे हैं तो मुझे भी ये करना है। पॉज एंड चेक बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपको नहीं भी है तो आपके बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरत है शक्ति की इस टाइम, बहुत मतलब बहुत। और वो एक ही चीज है जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। आप सब कुछ खरीद के दे सकते हैं अपने बच्चे को, लेकिन जब वो बच्चा मन की स्थिति में हिलता है, हलचल में आता है, परेशानी में आता है, एंग्जाइटी एक्सपीरियंस करता है, तो पेरेंट्स इतने हेल्पलेस होते हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि वो एक ही चीज है जो पैसों से नहीं खरीदी जाती। लेकिन जब हम भाग रहे थे हमने सोचा हमारे बच्चों को जो चाहिए होगा हम खरीद के दे सकते हैं। इसलिए भागना थोड़ा बंद करें, जीवन के रास्ते पर प्यार से ध्यान से चलें। भागते भागते जाएंगे तो बिल्कुल यहाँ की प्योरिटी तो प्रायोरिटी पे कभी नहीं रहने वाली है, ना इधर देखा ना उधर देखा, बस भाग भाग भाग। भागना एक एडिक्शन बन जाती है, अचीवमेंट एक एडिक्शन बन जाती है। और अचीव करने में कुछ रॉन्ग नहीं है, लेकिन अपना ध्यान रखते हुए अचीव करिए। और जो ध्यान रखते हुए अचीव करते हैं वो कोई कम नहीं अचीव करते, अपनी क्षमता से ज्यादा ही अचीव करते हैं। लेकिन अचीव करते हुए रास्ते में कुछ खोना नहीं है, खोया है ना हमने बहुत कुछ ऐसा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं होता है। अपनी सेहत अफेक्ट हो गई, मन की स्थिति अफेक्ट हो गई, रिश्ते हिल रहे हैं, पर्यावरण